दोस्तों, आईपीएल में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का 14वां सीजन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के लिए बेहद ही अच्छा चल रहा है और अंक तालिका में तीसरे स्थान पर काबिज है। सीजन राउंड के दूसरे पायदान में अच्छे पोजीशन में होने के बावजूद आरसीबी टीम के लिए पिछले दो मुकाबला मुश्किल खड़ी कर देने वाली थी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आरसीबी को केवल एक रन से जीत मिली थी और वहीं पंजाब किंग्स के खिलाफ 34 रनों से हार का सामना करना पड़ा। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की इस स्ट्रगल को लेकर भारत के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ऐसी सलाह दी जिससे टीम फिर उसी प्रकार से परफॉर्मेंस देने लगेगी जैसा कि उसने टूर्नामेंट के पहले राउंड में की थी। आईपीएल के 14वें सीजन में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली एक नए भूमिका में खेल रहे हैं। वो इस सीजन टीम के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र सहवाग का मानना है आरसीबी के कप्तान विराट कोहली को आने वाले मैचों में वापस से अपने पुरानी पोजीशन पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। सहवाग ने कहा, युवा बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन को मौका मिलना चाहिए और उनको देवदत्त पाटीदार के साथ ओपनिंग के लिए उतारना भी चाहिए। सहवाग राजद पाटीदार के प्रदर्शन से काफ़ी नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा, पाटीदार के जगह टीम में मोहम्मद अजहरुद्दीन को मौका मिलना चाहिए। मुझे लगता है विराट कोहली को अपने पहले पोजीशन में ही बैटिंग करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मोहम्मद अजहरुद्दीन को ओपनिंग रोल के लिए मौका देना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। घर में रहें, सुरक्षित रहें और एक दूसरे का हेल्प करें।